31 तारीख में आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट हुआ था। जब आप वहाँ पर पहुँची तो आपको लेके काफ़ी बवाल हो गया, काफ़ी हंगामा हो गया। क्या रीज़न था? काफ़ी न्यूज़ चल रही है आपकी सोशल मीडिया पे, तो क्या रीज़न था थोड़ा सा? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। ये मैं बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है वो कोई प्रोटेस्ट था ही नहीं। वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मैनिपुलेट किया जा रहा था कि आप अपने हस्बैंड के साथ में रहते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ में सोते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ में बच्चे पैदा करते हो, तो आपका हस्बैंड अगर आपको तलाक देगा तो क्या आप उनको जेल जाने दोगी? आप जेल जाते हुए देख सकती हो? मतलब ये क्या किया, ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, जब मैं वहां पर पहुंची तो जैसे ही मैं स्टेज के पास गई तो दो तीन लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारी प्रिपरेशन 1 महीना पहले से थी इन स्पीचेस के लिए। पता नहीं वो जो भी किस जिस भी किस्म की स्पीचेस वो दे रहे थे, वो स्पीचेस को सुनने के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि वो सर्कुलरिज्म या ह्यूमैनिटी के लिए थी। वो पर्टिकुलर सिर्फ मर्दों को सेफ करने के लिए उनकी औरतों को मैनिपुलेट किया जा रहा था। मैं पिछले 2 दिन से लाइव आकर कह रही थी सबको कि आजाद मैदान पहुंचो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मुझे वो प्रोटेस्ट लगा था क्योंकि मैंने अब तक के बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, मैंने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। और प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है इन लोगों को मैं अच्छी तरह समझा सकती हूँ। मेरे साथ में वहां पर धक्कम धुक्की और बदतमीजी की गई। एक बंदा मुझे आकर पूछता है कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया। मैंने यहाँ पर बांद्रा स्टेशन पे अपने 500 वॉलंटियर खड़ा करके, हमने हमारे भाइयों ने मिलके कम से कम हजारों महिलाओं को टिकट लेकर दी, टिकट लेकर रेडी खड़े थे ताकि 1:50 की ट्रेन वो पकड़े और वो ट्रेन से वो आजाद मैदान पहुंचे। तो मतलब हम बेवकूफ हैं जो हम कौम के लिए काम कर रहे हैं। और आप अबू हाशिम आजमी साहब, आप आए मेरे पास स्टेज के पास में, आपने आके मुझे कहा सलाम दुआ हुई, आपने कहा कि उनकी तैयारी पहले से थी। ठीक है, आपकी बात से सहमत थी मैं। मेरा पहला अल्फाज जो मैंने वहां पे ये कहा कि वो लोग भी जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, मुझे कोई बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं है। जब मैंने ये कह दिया तो एक मौलाना साहब वहां पर आए मेरे पास में और आके कहने लगे मैडम जी बोलिए क्या बात है। तो मैंने कहा कि मेमोरेंडम हमको सबमिट करना है, सीएम यहाँ पे खुद आने वाले हैं कि सीएम के ऑफिस पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि इधर आइए आप, मेमोरेंडम आपको सबमिट करना है। तो वहां पे पुलिस वैन के पास वो मुझे लेकर गए, बल्कि मेरे पास में मेरा खुद का पुलिस बॉडीगार्ड है। उसके बावजूद पुलिस बॉडीगार्ड को क्या लगा कि ये इस्लामिक रिलीजियस चीज चालू है इसमें। वो भी बेचारा दूर खड़ा हुआ था, उसकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि लेडीज का प्रोटेस्ट था। लेडीज के प्रोटेस्ट के अंदर कम से कम 100 आदमी अंदर थे, 100 मर्द अंदर थे, 100 मर्द अंदर थे, जिनकी वजह से वहां पे जो लेडीज धूप में बैठी हुई थी वो लोग बेचारी नोज पीस पहन के बैठी हुई थी। क्यों? जब वो लेडीज प्रोटेस्ट था तो वहां पे मर्दों का क्या काम था अंदर? और जो मेरे साथ में बदतमीजी हुई तो मेरे भी लोग मेरे साथ में थे, मैं 2 गाड़ी अपनी लेकर पहुंची हुई, मुझे बाहर ही बोला गया कि अंदर मर्दों को अलाउ नहीं किया है। तो हमारे एक भी वॉलंटियर हमारे साथ में अंदर नहीं है, सिर्फ एक पुलिस बॉडीगार्ड को लेकर मैं अंदर गई हुई थी। और अंदर जाके देखने में पता चल रहा है 100 से 150 मौलाना लोग वहां पे बैठे हुए हैं और लेडीज लोग स्टेज पे नो स्पेस बांध के मस्त सोने उठने बैठने की बातों के ऊपर बयान कर रही हैं और वो मौलाना लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो तभी हमारी कौम को कोई तरफ मतलब कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हाँ, और बुरखा, मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे ने आकर मुझसे पूछा कि मुझे यहाँ पे बुरखा पहन के आना चाहिए था तो वो प्रोटेस्ट था, वो कोई इस्तेमा नहीं था। अगर इस्तेमा होता तो वो ये बात मुझे बोलता तो मुझे समझ में आती है बात। मैं मेरे कौम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मेरे कौम के साथ हूं, लेकिन मेरी कौम को पहले खुद के साथ खड़े होने सीखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। ये रहा जो मैंने सपोर्टिंग टू ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत को सपोर्ट करते वक्त मैंने ये मेमोरेंडम रेडी किया था। लेकिन जूम में था, ये मेमोरेंडम में क्या लिखा है आप पढ़िए, ये जूम करके पब्लिक को जरूर दिखाइए ये क्या लिखा हुआ है। हम वहां पर किसी से कुछ लेने नहीं गए थे। जब भी हम कोई सोशल कॉज करते हैं हम अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। हम ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो फैमिली मेंबर्स थे वो स्टेज पे बैठे हुए थे, अबू हाशिम आजमी साहब, आप और आपके साथ के 2 लोग, आप 3 लोग सीधा मेरे सीने पे आकर गिरे। मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरे आगे पुलिस वैन थी। जैसे ही वो मौलाना ने मुझे कहा कि मैडम आप इसमें बैठिए, आपको अगर मेमोरेंडम देना है तो मैंने उनको जवाब में ये कहा कि मेरी 4 गाड़ियां बाहर खड़ी है,
तो मैं ये पुलिस वैन में क्यों बैठूं? मैंने सिर्फ इतना ही बोला, उतने में एक ग्रीन शर्ट में एक आदमी आता है, वो आके मुझे बोलता है किसने बुलाया तुमको यहाँ पर, तुम यहाँ कैसे आई? वो इस्लामिक था, वो शरीयत का रखा हुआ था, वो किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं था, और आजाद मैदान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी को गेम ही खेलना था, जो मुझे अबू आशिम आजमी ने ये कहा, मैंने उनको जब फोन किया तो उन्होंने, तभी उनका बंदा, मेरी पीए ने फोन लगाया, उनके बंदे ने फोन उठाया, कहा कि वो बिजी है लिफ्ट में, ठीक है। उसके 10 मिनट के बाद मेरे दूसरे लड़के ने फोन लगाया कि अबू आशिम आजमी साहब कहाँ है, उनसे अभी बात करनी है, क्योंकि जब वो आदमी मेरे से बदतमीजी कर रहा था तो मैंने अबू आशिम आजमी को कहा, मैंने आप कहा कि आप सुन रहे हो बंदा क्या बोल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं उसको बराबर करता हूं, मैं समझाता हूं उसको। वो बंदा उनका ही था। अब मैं कल से पूछ रही हूं कि वो बंदा कौन था जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की, तो अबू आशिम आजमी साहब कसम खाने तैयार है और वो बताने तैयार नहीं कि वो बंदा कौन है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? अबू आशिम आजमी ही मेरे आंख के सीने पे गिरे। जब मेरे ऊपर ये तीन आदमी एक साथ में ऐसे गिरे, मैंने मेरे दोनों हाथ से जोर से धक्का देख के इनको अपने से दूर किया और कहा कि दूर रहो। और पुलिस बॉडीगार्ड दूर था, उतनी ही देर में एपीआई शेक करके एक मैडम थी, वो इमीडिएट मेरे पास अंदर एंटर की उन्होंने, और पुलिस ने फटाफट सर्किल बना के मुझे प्रोटेक्ट किया। और वहां पर मुझे अपोज करने के लिए ऑलरेडी एक फीमेल को तैयार रखा हुआ था। एक ही औरत थी जो भाग कर आई और आकर उसने कहा कि क्या मैं फसाद खड़ा करने आई हूं और मुझे यहाँ पे बुलाया किसने? तो वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं खुद 2 दिन से बयान कर रही थी लोगों को कि ये प्रोटेस्ट में साथ में मिलकर हिस्सा लें। तो मुझे एक मिनट दीजिए आप लोग, इनके वजह से मेरा खून बहुत गर्म हो गया। उन लोगों का कि आपको बुला के इस तरह से किया जाए क्योंकि इनको पता था स्टेज पे अगर मैं चढ़ूंगी और मैं बोलूंगी, जब तो मैं बोलूंगी तो मेरे बाद में तो आवाज किसी की औकात है ही नहीं बोलने की, इनकी औकात है बोलने की। तो और जितने भी लोग थे, मेरा प्रश्न अभी भी है, मैं मीडिया में खुल के बोल रही हूँ ना कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के जितने मौलाना वहां बैठे थे जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हारे में वाकई में दम है तो मेरे सामने आओ। आप अभी मेरे सामने आओ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ये सब कुछ प्री प्लान था, मेरे पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब मैं पहुंच रही थी, पहुंचने के 10 मिनट पहले भी हम लोग लाइव आए थे कि हम बस आजाद मैदान पहुंच रहे हैं, और हम सबसे गुजारिश कर रहे थे पहुंचने की कि आप लोग पहुंचिए ट्रिपल तलाक को अपोज करने के लिए। ट्रिपल तलाक एक्चुअली जो शरीयत के हिसाब से तलाक होता है, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, और शरीयत कहती है कि तलाक जो है वो तीनों तलाक एक साथ में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वही बीजेपी गवर्नमेंट ने कही है, वही बात बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रिपल तलाक एक साथ में नहीं दिया जा सकता, इट शुड बी अ प्रोसेस ऑफ तलाक, एक एक महीने में एक एक तलाक करके एक एक तलाक दिया जाए, और हर औरत क्या राइट्स होता है कि उसको एलिमनी मिले अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, हक मिले, हिस्सा मिले, और उसको अपने बच्चों की परवरिश का मेंटेनेंस मिले, ये सब कुछ ट्रिपल तलाक के अंदर मैंडेटरी है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट का, जो मैंने आज बायलॉस पढ़े हैं, उनके लॉस पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी गवर्नमेंट कोई गलत और रॉन्ग डिसीजन ले रही है। मैं 101% आज बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए ये स्टेटमेंट दे रही हूं कि जो वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, क्योंकि हमारे मुस्लिम मौलाना लोगों ने साबित कर दिया कि आपको एक औरत की इज्जत करने नहीं आती है, आपको एक औरत की इज्जत करने नहीं आती है तो आप किसी चीज के लायक हो ही नहीं। आपसे तो हिंदू धर्म के लोग अच्छे हैं, कम से कम दीदी और बहन करके बुलाते हैं, जो छोटे हैं पैर छूते हैं, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों को सीखना चाहिए, कौम के ठेकेदार बनते हैं आप, कौम के ठेकेदार बनते हैं, कहां से लिखवा के लेकर आए हैं आप? रसूलुल्लाह ने आपको लिख के दे दिया था, ख्वाब में आए थे आपके, कि जो बुरखा पहन के नहीं आया उनकी इंसल्ट करना। 70% औरतों ने बुरखा पहना था, 30% औरतों ने बुरखा नहीं पहना था, तो क्या उनके साथ में किसी ने बदतमीजी की, किसी ने गाली गलौज की, किसी ने बेइज्जती की? फोटोज आल्सो। अच्छा, ये इस चीज के लिए आपने शिकायत दर्ज की, कुछ FIR किसी के ऊपर? Yes. जिस बंदे ने आपके साथ में बदतमीजी की, उस बंदे की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है? वो बंदे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इसलिए मैं अबू आशिम आजमी साहब आपके नाम पे, और क्या है उस बंदे का नाम, वो दाढ़ी वाला फरीद शेख, वो एक आदमी है, और तीसरा वो ग्रीन शर्ट वाला था, और एक लंबा सा लड़का था, फेयर कॉम्प्लेक्शन, अबू आशिम आजमी का ही बंदा था। जो वो बंदा एंट्री किया है, घुसा है मेरे बाजू से, तो ये तीनों के तीनों लोग आके ऐसे मेरे आंग पे गिर गए। तो मेरे आंग पे गिर गए, मेरा बदन तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है,
कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये वहां पे खड़ी हुई पुलिस ऑफिसर ने भी देखा, और जो पुलिस ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पे थी वो भी शेख मैडम थी, ठीक है, तो वो भी बुरखा नहीं पहनी हुई थी, वो भी वर्दी में थी, वो अपना काम कर रही थी, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं अपना काम कर रही थी, तुम लोगों ने मुझे रोका कैसे? तुम लोगों ने वहां पे किसी औरत को नहीं रोका, और मुझे क्यों रोका? और मैंने फेसबुक पे काफी सारे पोस्ट देखे हैं, हमारी मुस्लिम बहनें जो गई हुई है जो बिना बुरखा पहन के गई, तो क्या किसी ने उनकी बेइज्जती की? उन्होंने तो अच्छे सारे फोटोज डाले, अबू हाशिम आजमी साहब औरतों के साथ में खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, और क्या नाम है उनका, आरिफ नसीम खान साहब, वो खींच रहे हैं औरतों के साथ में फोटो खड़े होके, तो उन औरतों ने तो बुरखा नहीं पहना था, तो किसी ने उनकी बेइज्जती तो की नहीं। मेरे लिए ये, मैं आपको और एक बंदे का नाम बताऊंगी, एक है छोटा सा गली न्यूज नाम का कुछ चलाने वाला बंदा, क्या नाम है उसका, सलीम शेख। ये सलीम शेख, इनकी प्लानिंग, अबू हाशिम आजमी साहब उनके फाइनेंसर और उनकी टीम मिलके जो ये की, और अबू हाशिम ने जो मुझे कॉल किया वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको देती हूँ, कि जाने दो, छोड़ दीजिए, अब क्या मारोगी उनको, कौन का मसला है, कौन सी पार्टी को आप बिलोंग करते हो? कौन सी पार्टी को मैं बिलोंग करती हूँ? अब मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन अबू हाशिम आजमी साहब जो तुमने कल मुझे लाइन बोली है ना, मैं आपको वो अभी अबू हाशिम आजमी का जो कॉल कल मुझे आया था, मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग दूंगी, अब वो जनता को जरूर सुनाए कि अब तक तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थी, लेकिन आपने जो कल मुझे कहा, हम तो पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप लोगों ने पॉलिटिक्स मेरे साथ करनी थी, तो इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। और कहीं ना कहीं ये जवाब जो है उनको किसी पार्टी में आप ज्वाइंट होके तो नहीं देना चाहती कुछ? अब दूंगी मैं, अब जवाब दूंगी मैं। कौन सी है? मैं मेरे मुस्लिम यूथ के लिए, मैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए मुझे किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है। जो रूलिंग पार्टी होगी मैं उस पार्टी का साथ दूंगी, और हमारी कौम के लिए हक, हमारी कौम के जो राइट्स बनते हैं वो मैं रूलिंग पार्टी से मांगूंगी। नहीं, वैसे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप ज्वाइन कर रही हैं बीजेपी, और उसके कोई बहुत जल्दी बड़ा धमाका करने वाली हैं, तो महाराष्ट्र लेवल पे, तो क्या ये सच्चाई है इस बात में? अब देखिए, जब खबरें जब फैलती है ना, तो कुछ तो उसमें सच हो गई और कुछ मसाला लग जाता है। रुकिए, वेट एंड वॉच, नो कमेंट्स फॉर दिस। अबू हाशिम आजमी, आपने मेरे बदन पे गिर के जो गलती की है, 354 तुम्हारे ऊपर बना के, जब तक मैं तुमको जेल नहीं भिजवाऊंगी ना, मैं सुकून से बैठूंगी नहीं। तुम वो ग्रीन शर्ट वाले को छुपा रहे हो जिसने मुझे गालियां दी, और तुम इतने बड़े आदमी हो के तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे आंख पे गिरते हुए? हाँ, कितने लोग गिरे थे आप लोग? तीन लोग सीधा के सीधा मेरे ऊपर। और मैं प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में उस ऑफिसर की कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती हूँ, जो मेरा बॉडीगार्ड था, उसको लगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके साथ में खड़ी हूँ, मुझे पूरा मर्दों ने घेर रखा था। अच्छा, वहां पे जब परमिशन नहीं थी मर्दों की, तो वो लोग अंदर क्या कर रहे थे? वो लोग बैच पहन के, अबू हाशिम आजमी ने भी बैच पहना था, जिस बंदे ने मुझे धक्का दिया है, ये रहा उसका फोटो, धक्का अबू हाशिम आजमी का। एक बंदा जैसे ही अंदर एंट्री करता है बाजू से, ये तीन लोग मेरे ऊपर गिरे हैं, एंड आई विल शो यू, इसको नजदीक से देखिए, ये ग्रीन ग्रीन शर्ट में जो था, पूरा फोटो उसका नहीं मिल पा रहा, और यही हम उसकी आइडेंटिफिकेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा कौन है। इस बंदे ने आके मुझे बोला कि मुझे यहाँ पे किसने बुलाया है, मैं यहाँ पे फसाद खड़ा करने आई हूँ, बुरखा पहन के आना चाहिए था। और वो जो दाढ़ी वाले हैं, इनका नाम क्या है? फरीद शेख। इनके भी नाम पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं हम। मैं ये कंप्लेंट मंडे के दिन देवेंद्र फडणवीस को देने वाली हूँ, कि मेमोरेंडम सर मैंने आपको देने के लिए तैयार किया था, जो कि मैं अब ये मेमोरेंडम नहीं देना चाहती हूँ। अब मैं देना चाहती हूँ, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। जो एक औरत की इज्जत नहीं करना जानते, जो वुमेन मॉडेस्टी के साथ खेलते हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कल मैं सीएम साहब से मिलने वाली हूँ, और कल उनसे मिलके बात करूंगी, और उनको कंप्लेन दूंगी कि ये मेमोरेंडम मैं आपको देने वाली थी सर, दैट्स व्हाट माय मिस्टेक। जो बीजेपी सरकार समझाना चाहती है औरतों के हक के ऊपर से, ये मुस्लिम मौलाना ये बोलते हैं कि हमारे शरीयत में ये घुस रहे हैं,
अरे घुस नहीं रहे, अब समझ में आया, तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं था तो तुमने ट्रिपल तलाक का टॉपिक उठा लिया और प्रोटेस्ट के नाम पे खड़े होके बयानबाजी चालू कर दी और अपने फेवरेट्स को बुला लिया। इट वॉज अनसक्सेसफुल इवेंट। वहां से बहुत सारी औरतें निराश होकर निकली है। जो हमने हजारों की तादाद से औरतों को यहां से टिकट निकाल के भेजा था ना, वहां पे जो औरतें पहुंची, वहां पर पहुंच के कॉल करके मुझे बोल रही हैं कि आप अभी तक पहुंचे नहीं, हम लोग कब से पहुंच गए हैं। वो औरतें मैं आपको मेरे पास में चैट में आपको मैं दिखा दूंगी कि वो लोग मेरे फेसबुक के वॉल पे भी कमेंट कर रहे हैं कि उन लोगों ने वहां पे जाके कितनी बड़ी गलती की, कितना ह्यूमिलेट हुई है वहां पे फीमेल्स। तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रही हैं? जी बिल्कुल समर्थन कर रही हूँ, 101% में समर्थन। जो बीजेपी ने किया ये बहुत अच्छा किया मुस्लिम महिलाओं के हक में कर रहे हैं। जो वहां पे जो बयानबाजी कल चालू थी ना, वो हक में नहीं थी। वो सिखा रहे थे आपके पति आपको मारे, आपके पति आपको तोड़े, आपके पति आपके साथ कुछ भी करे, आप अपने पति की जितनी भी जाति है वो सहें, क्योंकि आप औरत हैं। तो मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, औरत होने का मतलब वो इंसान नहीं है। अगर वो अपने पति को मारेगी तो पति मार खाएगा चलेगा, पति मार खाएगा चलेगा, तो फिर औरत को भी चलना चाहिए। इट शुड बी पैरेलल। और बीजेपी गवर्नमेंट पैरेलल लेके चलने बोल रही है, वो ऊपर नीचे नहीं करने बोल रही है, पैरेलल चलने बोल रही है। ओके थैंक यू सो मच। और अगर कुछ कहना चाहती हैं जनता से तो आप कह सकती हैं। रूमर्स के ऊपर मत जाइए, हर चीज को स्कैन करके समझ के देखिए कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा के जो प्रोटेस्ट रखा गया ये सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ एक ड्रामा था। ओके थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।